एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। आपका एंटीक कलेक्शन बहुत अच्छा है। आइए, ये मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। He was the bravest of them all, right? बहुत सुना है इनके बारे में। राजपूतों का नाम आज जहां पहुंचा है वो शायद इनके बिना पॉसिबल ही नहीं होता। I see. And of course after him was my grandfather. Another hero. आखिरी दम तक अंग्रेजों की नींद हराम कर रखी थी इन्होंने। इन्हें कौन नहीं जानता। हमारा नाम और पहचान तो इसी शहर में है। आपका परिवार तो देश चला रहा है। I have heard the king's bed is right in the center of the city. वो नहीं दिखाएंगे मुझे? लगता है काफी दिलचस्पी है आपको मेरी फैमिली में। सिर्फ फैमिली में नहीं, ये बेड शहर का सेंटर पॉइंट है। मेरे फादर चाहते थे कि उनका बेड ऐसी जगह हो जहां से वो शहर के दिल की धड़कन सुन सके। अब कौन सोता है इस बेड पे? क्या हुआ, आप डर गई? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि आपके घराने में अब कोई मर्द तो बचा नहीं। अकेली प्रिंसेस इस बेड पर क्या करेगी? ये तलवार मेरी नानी की है, 4 इंच ऊपर या नीचे कहीं भी चला दी तो तुम्हारे घराने में भी कोई मर्द नहीं बचेगा। History is always written about men, but not always made by them.
सर पार्टीज तो आप भी बहुत देते हैं, पर इसकी बात ही कुछ। शट अप। ये जितने लोग चीयर्स कर रहे हैं ना आज, वो हालत करूंगा मैं इसकी, कल इसको कोई हेलो भी नहीं बोलेगा। इस गीतांजलि की हिस्ट्री का आखिरी पन्ना मैं लिखूंगा। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. गीतांजलि देवी अरेस्टेड। कल के हर अखबार की हेडलाइन यही होनी चाहिए। सर, गीतांजलि को अरेस्ट करना इतना आसान नहीं है। शी इज पावरफुल सर। रुद्रा, इमरजेंसी में सबसे पहले पावर ही ऑफ होती है। पर सर, अगर गीतांजलि को अरेस्ट करना है तो वजह भी गीतांजलि देवी जितनी ही बड़ी चाहिए। हाँ, वजह है वो सोना, वो खजाना जो गीतांजलि ने प्रीवी प्रोसेस खत्म होने के बावजूद भारत सरकार से छुपा रखा है। आज मेरा राज है और मुझे वो खजाना चाहिए। अरेस्ट करो, डराओ, मार दो, आई डोंट केयर, जो करना है करो। माफ कीजिए सर, पर गीतांजलि डरने वालों में से नहीं है। समझो रुद्र, नौकरी है, प्रमोशन है, लाइफ है, और ये सब इस खजाने के साथ जुड़ा हुआ है, समझे? एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग रुद्रा, दिस टाइम इट्स पर्सनल। रानी साहब, हमारे रीजन का खिलाड़ी नेशनल टीम में सिलेक्ट हुआ है, आपको उससे मिलना चाहिए। व्हाट्स द पॉइंट? इमरजेंसी है, पेपर्स में तो कुछ छपना नहीं है। लेट हिम विन, तब तक शायद इमरजेंसी भी खत्म हो जाए, फिर मिल लेंगे। सरकारी ऑर्डर है, जो दौलत आपने सरकार से यहाँ छुपा कर रखी है, अब वक्त आ गया है वो सरकार को वापस दी जाए। कहाँ है बताइए। तलाशी लो, हर कोना ढूंढो। यहां कुछ नहीं मिला। यू नो वॉट टू डू। यू शुड हैव सम टी ऑफिसर। खजाना मिल गया तो क्या करोगे? गरीबों में बांट दोगे? आप भी जानते हो मेरे खजाने खाली करके वो सिर्फ अपना घर भरना चाहते हैं। सर,
कल की हेडलाइन तैयार करो, गीतांजलि देवी अरेस्टेड। माफ करना महारानी साहबा, ऑर्डर लिए बिना ही खाना भेज दिया, सरकारी मेनू में इतना ही था बस। महारानी खा लो, ये दिख रहा था ना, ये भीतर वालों जितना ही खतरनाक है, केप और बेच का डिफरेंस है बस। तू बोले तो इसने अंदर भेजू। वार्डन दिलीप सिंह, 1500 रुपये माहवार। तीन बेटियां हैं तुम्हारी, एक बेटी की शादी अभी होनी बाकी है। बीवी तुम्हारी चौधरी की हवेली पे काम करती है, तुम्हारी नॉलेज के बाहर एक अकाउंट खोला है उसने, जिसमें दहेज की रकम जमा हो रही है। मारे बारे में सारी जानकारी है। हम अपने शहर में सबके बारे में सब जानते हैं, कहाँ क्या कितना है। मारी चिंता छोड़ो महारानी साहबा, अपनी चिंता करो, आपको छुड़ाने कौन और कितने आएंगे। एक ही काफी है, जब वो आएगा ना, ना टोपी बचेगी ना बैच। नारों में इतना जोर होना चाहिए कि थाने के थाने हिल जाएं। नाम है थारा? अरे सुना कोनी, नाम बता हुकुम ने। के है यो? नाम भवानी सिंह, पता कभी ढूंढ नहीं पाओगे। उम्र क्या करोगे जान के, और काम भलो बुरो दोनों चोखो। भवानी सिंह स्टैचुरी वार्निंग से एक्सपायरी डेट तक लिव्ड लाइफ किंग साइज। अरे के है यो? चार दिन की जिंदगी है और अच्छा दिन है साहब जी, यही सोचकर इतने साल निकाल दिए, इसलिए सारा बंदोबस्त करके रखा है। मर वर गया तो अखबार में छापने के काम आएगा, हमेशा साथ रखूं। अच्छा, मरने का घना शौक है थारे को, कह तो हम पूरी करते थारी हसरत। अरे मारो। ए, छूना ना मारे को, पता नहीं कहां कहां हाथ लगा के आए, मारना है ना। कैसे? कैसे? या ऐसे? या ऐसे? अपना दाना पानी कितने दिनों का है? एक दो दिन और के। तो एक दिन बस? आधा हिंदुस्तान जेल में बंद है, अरे जैसे हजारों सर फिरे झंडा लेके घूम रहे हैं। लेकिन एक दो दिन, मारी भी कोई रेपुटेशन है। तू कठे का राजा महाराजा है, होता तो लंबा जाता गीतांजलि देवी जैसे। वो भी यहाँ है? मारण थी महल में, अब मास्टर नहीं हो रही है, सब ने महाभारत की कहानी सुनावे, नजदीक मत जाना उसके। वो
उसके नजदीक तो जाना है। अंतिम संस्कार का वक्त होने वाला है। राजकुमारी गीतांजलि सा चाहे पहुंचे या साथ तो चले गए। नई महारानी के चाल चलन से लगता नहीं है कि मारे जैसे आदमी को अपने साथ खड़ा भी रखेगी। महारानी सर से पैर तक विदेशी है और मारे को तो विदेशी आती को नहीं। भवानी, रानी सा ने बुलाया है। मेरे पीठ पीछे मेरे कपड़ों, मेरे दोस्तों के बारे में जो कह रहे सब तुमने तो सुना ही होगा। तुम भी वैसा ही सोचते हो मेरे बारे में? ऐसी कोई बात ना। तो क्या बात है भवानी, मुझसे कोई गलती हुई है? गलती हुआ आपके दुश्मनों से। दुश्मन मेरे हर तरफ है और तुम मुझे इन दुश्मनों में अकेला छुटकर जा रहे हो। मरने लगा आपको मारी जरूरत नहीं। मेरे पिता राजा सा ने मुझसे एक बार कहा था, महल में सिर्फ एक ही आदमी है जिस पे मैं भरोसा रख सकता हूं। आज से जितना तुम राजा सा के साथ थे उतने ही मेरे साथ रहोगे, मेरे पर्सनल सिक्योरिटी इंचार्ज बनके। बस कभी मेरा भरोसा मत तोड़ना। भरोसा रखो हम पे, वफादारी मारे खून में, जुबान और जान सिर्फ एक ही बार दी जा सके। आज से दोनों धारे। इतनी रात बिना बताए कहाँ जा रही हैं आप? जीप की चाबी दो। वजह जाने बिना तो नहीं जाने दूंगा। राजा सा के साथ सब कुछ खत्म हो गया, हमारा प्रेमी बस खत्म हो चुका है। अब सबको संभालने के मेरे पास कुछ नहीं है। 12 लाख की जनता कौन संभालेगा उनको? सरकार, मुझे बस नहीं जीना, ये नकली रानी बन के नहीं जीना। मुझे जीप की चाबी दो। जीप में बैठो। समझते क्या हो अपने आप को? आज तक मुझे किसी ने ऐसे छुआ नहीं, ऐसे हाथ नहीं लगाया, ऐसी बात नहीं की। सिक्योरिटी अगर सख्त नहीं होगी तो क्या फायदा? तुम्हारी इस हरकत पर मैं तुम पे गोली चला सकती हूँ। 4 दिन की जिंदगी है और आज चौथा दिन है, ये सोचकर इतने साल निकल दिए। क्या करो? थारी मरने में मदद करते। मतलब? मणे मरना है तो मणे कौन से जीने का शौक है? वैसे भी ये जान थारी है। तुम्हें तो मुझसे मरने की ज्यादा जल्दी है। बुरा वक्त जितना जल्दी कट जाए अच्छा।
मौत जब सर पे होती है जिंदगी की कीमत तब समझ में आती है। आपके लोगों को घनी उम्मीद है आपसे, आप नहीं होंगी तो वो किसे देखेंगे? सोचा है कभी? लेकिन मैं किसकी तरफ देखूं? बिल्कुल अकेली हूं, कोई बच्चा नहीं है बेटी, ना तो कोई खुद को गले लगा सकता है, ना कोई खुद के कंधे पर सर रखकर रो सकता है। कोई एक तो चाहिए होता है अपना। मैं हूं आपके साथ हमेशा, हर रास्ते पर, अंत तक। वादा करता हूं जब चाहो आज पालो, मैं कहानी बदल दूंगा। चोट दिल पे वो खाई, मजा आ गया। आवाज देके देख लेना, कोई आप तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगा। जीवन में दो तरह के लोग आपके साथ हमेशा होने चाहिए। एक कृष्ण जैसे, जो आपके लिए ना भी लड़े तब भी आपकी जीत पक्की कर दे, और दूसरे कर्ण जैसे, जो आपके लिए तब भी लड़े जब आपकी हार सामने दिख रही हो।
मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे, लेकिन बड़े उम्मीद ना थी कि तुम ऐसे। There's no time for that. भाषण खत्म हो गया, निकलो यहाँ से। चलो, चलो यहाँ से। आज मैं सबसे ज्यादा मुश्किल में हूँ और मुश्किल में बस मुझे तुम्हारा ही नाम याद आता है। निकल जाओगे यहाँ से। बात यहाँ से निकलने की नहीं है। फिर? ए, कैप लाने चढ़ रही है। चलो, मीटिंग छोड़ो। चलो यहाँ से। ये काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता भवानी। ये सब बात यहाँ करना ठीक ना है। टाइम नहीं है। हमारे पुरखों का सोना पैसा सब हाथ से निकलने वाला है। कौन सा सोना? लाखों का सोना है, पूरे वक्त के लिए बचा के रखा था, हमारे शहर की तरक्की के लिए, गरीबों की मदद के लिए। सरकार ने जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया है। क्या हुआ? तुम मेरे साथ हो ना? तुम मेरे साथ हो ना? हमेशा, हर रास्ते पर, अंत तक। तो अभी तक अटे है। चल निकल बाहर यहां से अभी के अभी। चेड़ में दो दिन दो घंटे के होते क्या? लगता है थारी हड्डियों को गर्मी देनी पड़ेगी। पुलिस वाले को मारने की क्या सजा मिले? मतलब हमारा सारा सोना ट्रक भर के दिल्ली लेके जा रहे हैं और तुम्हें कैसे भी उस ट्रक को रोकना है। अगर सरकार सोना लेकर जा रही है तो वो भी तो लोगों के काम आएगा। आप भी तो यही चाहती थी। तुम्हें लगता है सरकार का दिल इतना बड़ा है जो बांट देगी? यह सोना सिर्फ मेरे दुश्मन संजीव का घर चमकाने वाला है। प्लीज भवानी, इसे रोक लो। वन मोर थिंग, तुम संजना से मिलो, वो तुम्हारा पूरा साथ देगी। अभी तो सिर्फ उसे ही मुझसे मिलने देते हैं। अगर तुम्हें कोई मैसेज देना है तो उसको देना। और भवानी, सोना बहुत ज्यादा है। फिकर मत करो, आपके सोने का कैरेट हमारे कैरेक्टर को खराब नहीं कर सकता। वो ट्रक दिल्ली नहीं पहुंचेगा। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। एक जिन के साथ हम पीते हैं, दूसरा जिन की वजह से हम पीते हैं। हिम्मत बढ़ाने की दवा है वाणी। बोल गीतांजलि को। गुरुजी, एक पैर कवर में, दूसरा केड़े के छिलके पर। ऊपर से डिस्को, काहे को? वैसे भी उसको बचाने के लिए नहीं बुलाया। तो फिर आखिरी दांव के है? वो आ जाए फिर बताता हूँ। वो चोर, वो छिछोरा, वो कमीना, वो फिर भी थारे को वो चाहिए चाहिए। जहर सेहत से ना कटे, उसके लिए जहर चाहिए। संदेशा पहुंचा दियो है? शहर की सारी बदनाम गलियों में पोस्टर लगा दिए हैं। पुराना चावल है, पता नहीं किस हांडी से निकले। जाना है या मोरे भोले भोले।
जरा सा हो जा रे फंकी। कसम से मिल जाए जो तू मलंगा 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 होके मैं नाचूं। तेरे नीले नैना नैना बिन बात तू मुझे छेड़े, ये नशीला तेरा नैना चले आर पार दिल के मेरे। समझना हमको तू कुछ कम। लेजेंडरी 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 आशिक ठहरे हम। तेरे नीले नैना नैना बिन बात तू मुझे छेड़े, ये नशीला तेरा नैना चले आर पार दिल के मेरे। बोले बोले मुझे बाड़ी सोले सोले, ले चले जहाँ तू संग साथ जाना है। सोना चुराना है वो भी आर्मी से। मारा एक दोस्त था, उसने आर्मी से पंगा लिया। जानते हैं उसका क्या हुआ? क्या हुआ? मर गया। वो आर्मी है, हम हरामी। और इस काम में खतरा कुछ ज्यादा ही लग गए। दिमाग तो नहीं खराब हो गया थारा? 50,000 कठपुतलियां नचाने से तो मिले ना। अरे ये 50,000 मरणोपरांत मिले तो भी किस काम के? ये दुनिया थारी मम्मी ना है जो सब कुछ थाली में परोस के दे देगी। हाथ पैर मारने पड़े हैं, मैं कुछ सोच कर बोल रहा हूं। गुरुजी, ऐसी कोई तिजोरी ना बढ़ी जो आप खोल ना सको। और राजस्थान का टिल्ला टिल्ला दलिया से वाकिफ है। तीसरा मैं। हाँ, थारो रजू गणेश संतो बचपन से तैयार है। हम चारों मिलकर काम करेंगे। ए भाइयों, ये तीन के चार दिख रहे हैं, चौथा कौन है? गुरुजी, दलिया संजड़ा गीतांजड़ी का सारा काम देखती है, साथ है हमारे। होगी, अपनी आर्मी से तो दुश्मन देश नहीं जीत पाते, और हम तो सिर्फ चार हैं। ना सोना मिलेगा ना सोने को। सोच लो। करने से पहले क्या सोचना, पहले करो फिर डरो। आई नो देयर इज अ वे टू गेट इट, We just have to find it. देसी ठर्रे में अंग्रेजी विस्की मिला दी, ना चढ़ेगी ना हजम होगी, परेशान करेगी। गीतांजलि के बहुत एहसान है मुझ पर, उनके लिए मैं कोई भी खतरा उठा सकती हूँ। मैं पीछे नहीं हटूंगी, बाद में क्या होगा वो बाद में सोचेंगे। जिंदगी बड़ी छोटी है भाइयों, बड़े बड़े फैसले लेने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। लुगाई की फोटो देख रहा है, क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं जब इसे इतने साल झेल लिया तो ये भी झेल ही लेंगे। क्यों? किसी ने सही बोला है, दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई ना होवे। आर्मी ने पूरा मिशन मेजर सहर सिंह की कमांड में दिया है, आ रहा है आज। आड़ दे, सिट्टी बजाते हैं साड़े की।
सर, हम पहुंचने वाले हैं सर। गलती से मेरा वॉलेट तेरी जेब में चला गया। मारे को गलती करने की आदत नहीं है साहब जी। सरकार, पूरा शहर उतल पुतल कर दिया आपने। अभी तो मैं सिर्फ आया हूं। कुछ नुकसान हो गया क्या? तू बीच में नहीं आता तो नहीं होता। माफ करना साहब, मेरी पुरानी आदत है, मैं हमेशा कहानी बदल देता हूं। दोबारा मत टकरा जाना वरना तेरी कहानी बदल दूंगा। मेरा एक दोस्त था, उसके पीछे ऐसे ही अफसर पड़ गया। जानते उसका क्या हुआ? मर गया। तू पानी पी ले। सच में कह रहा हूं भवानी, ये आदमी नहीं अपनी मौत है। पता तो चला मौत दिखे कैसी है। इतना सारा सोना? सोना कहाँ है? सोना या कोई सोना नहीं है, हमें कोई सोना नहीं मिला, सब अफवाह थी। ये तो अली बाबा का खजाना है सर। आपने हमें यहां चोरी करने के लिए बुलाया? इस बार चोरी ही ड्यूटी समझ लो। और संजीव का मालूम है ना, उसे ना भी नहीं कर सकते। लुक शहर में जानता हूं ये उसूलों वाला काम नहीं है, पर यह माहौल ही ऐसा है। समझ गया सर, चोरों के उसूल होते हैं पर पॉलिटिशियंस के नहीं। तुम्हें ये सब दिल्ली पहुंचाना है बाय रोड और अकेले, सिवाय सोमेश के तुम्हारे साथ और कोई नहीं होगा। लेकिन सर दिल्ली यहां से बहुत दूर है, और कोई बंदोबस्त नहीं है? अगर ये ऑफिशियल मिशन होता तो बैंड बाजा बारात के साथ भेजता, पर ये चोरी है। पुलिस को भी इस बात की खबर नहीं पड़नी चाहिए। कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? हम लोग और गीतांजलि। मिले हो उससे? नहीं। सुना यहाँ की मोनालिसा है।
You will have to handle her too. I would love to. I'm a man of rich taste. मेरा नाम सहर सिंह है और सरकार ने आपका सोना यहाँ से दिल्ली पहुँचाने की जिम्मेदारी मुझे दी है। आपसे एक रिक्वेस्ट थी, इस सब के बारे में अगर आपने किसी से कुछ कहा या सोना चोरी होने की खबर प्रेस में या फिर किसी अपने से कही तो याद रखिएगा, सोना तो जाएगा ही जाएगा, आपकी जान भी जा सकती है। सोने के साथ अपनी सरकार तक ये भी पहुंचा देना। सर, मैंने पूरी रिसर्च कर लिया सर, और हमारे पास सिर्फ एक ही रूट का ऑप्शन है। हमारा रास्ता सेफ होना चाहिए और छोटा भी। सो व्हाट डू यू से सर? You must have wondered how I could leave this to just the two of you. This truck is as good as a small battalion. Guruji, जब से ये मिशन शुरू हुआ है ना, एक अजीब सी धुन हमारे दिमाग में गूंज रही है। कौन सी धुन? लव वाली धुन। होता है, होता है। तू ना कभी अपने आप को ना अकेला मत समझना। चलो चलो चलो, क्या हो गया? बस चलो, जल्दी चलो। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि ये काम बहुत ही मुश्किल है। ऐसा क्या देखा तुमने वहां पे? वो सारा सोना एक ट्रक में लेकर जाने वाले हैं। ये देख रहे हो, ये छोटा सा लॉक 10 आदमियों को भी भारी पड़ेगा। कॉम्बिनेशन लॉक है, हर बार सही नंबर बैठेगा तभी खुलेगा। टाइम और अच्छी जगह मिल जाए ना तो मैं ऐसे लॉक तो चारों तरफ से खोल दूं। प्रॉब्लम लॉक की नहीं है, ट्रक की है। ऐसा क्या है उस ट्रक में? ये कोई मामूली ट्रक नहीं है, इसे खास बनवाया गया है। ऐसा समझो कि इसे ना काट सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। अंदर एक लाल बटन है, बहुत काम का है। अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम आए, एंड इफ यू फील द नीड, जस्ट प्रेस दैट स्विच। पूरा ट्रक एक बंकर बन जाएगा, 6 घंटे तक कंप्लीटली सील। ना कोई अंदर घुस सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। अगर ट्रक तक कोई पहुंच भी गया तो वो उसके साथ ही बंद हो जाएगा। और ऐसा हुआ तो? ऐसा हुआ तो ये लॉक तोड़ पाना इम्पॉसिबल है। एग्जैक्टली। ट्रक में एक रेडियो भी है, मतलब ट्रक की हर एक खबर उन तक पहुंच सकती है। ये तो इंटरनेशनल लेवल की सिक्योरिटी है सर, फिर मेरी क्या जरूरत है? इंटरनेशनल सिक्योरिटी से ज्यादा मुझे हिंदुस्तानी बहादुरी पर भरोसा है। कब निकलना है ये डिसाइड कर लो। बुधवार सुबह 6 बजे निकलेंगे सर। 4 दिन तो घड़े कम हैं, हम कैसे तैयारियां पूरी करेंगे? सब फेल। अरे फेल है गुरुजी, ये बोलो जिंदगी पास हो गई। कैसे? अरे भाया, रजाई लुगाई और लड़ाई हमेशा बराबर की होनी चाहिए, और ये लड़ाई तो बराबर की थी नहीं, बच गए। हाँ। भवानी कुछ तो बोलो।
कोई तो रास्ता होगा। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि भवानी हार मान जाए या पीछे हट जाए। मैं बहुत पहले से जानती हूं उसे, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। इतना भरोसा है उस पर? दुनिया की नजर में वो मेरा बॉडीगार्ड था, पर मेरे लिए अपनों से बढ़कर वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। एक बार ट्रक भवानी के हाथ आ जाए, उसके बाद तो मुझे रणौतर में मिलना, जहां हमारी रेत की खान है, बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर। पर तुम बाहर कैसे निकलोगी? 4 ही दिन तो है। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। रणौतर में एक प्लेन अरेंज करके रखना। आई विल लीव द कंट्री इमीडिएटली। संजना, वी डोंट हैव टाइम। भवानी पे भरोसा रखो, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। वो कहावत सुनी है ना चिड़ियों वाली, चाल ही उठाकर ले गई थी। क्या मतलब? मतलब पूरा ट्रक ही उड़ाना होगा। क्या बोल रहे हैं भवानी? रेडियो उनके पास, बटन उनके पास, शहर उनके पास। रेडियो उनके पास, बटन उनके पास, लेकिन ट्रक हमारे पास। तू तो ऐसे बोल रहा है बकरी की टांग खींच के लेके आनी है, दूध निकालना है बस। भाई तू मुझे गुरुजी बोलता है ना गुरुजी, हम सब मारे जाएंगे। जब बात जुबान की हो तो जान की कीमत कम हो जाती है। औरतों की वजह से इतने घर नहीं बसे जितने पंगे हुए हैं। प्लान क्या है भवानी? उस ट्रक को रोकना होगा। और वो ट्रक रोक देंगे? क्यों? जैसे दूसरी गाड़ियां रुकती हैं खतरे की वजह से। अगर रास्ता पेड़ से ब्लॉक कर दे तो? खतरा ऐसा होना चाहिए जो उन्हें अपने लिए ना लगे, वरना वो ब्रेक बाद में दबाएंगे, बटन पहले। सोचो बीच रास्ते पर गुरुजी बेहोश पड़े हैं। मैं? अरे दिल का दौरा पड़ा है, मर चुके हैं। है मनहूस। बुड्ढे को मार रहा है। जब आदमी सड़क पर पड़ा होगा ना तो सिर्फ कुत्ता सूंघने आवे। अगर लड़की हुई तो? तो फिर आदमी कुत्ता बन जाता है। ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन लड़की रास्ते पे क्यों लेटती है, वजह क्या है? एक्सीडेंट। नकली लग रहा है। एक काम और भी हो सकता है, मैं शहर की गाड़ी को हाईवे पर ओवरटेक करूंगी, फिर शायद उसे शक ना हो कि ये सब प्लान है। बिल्कुल। हाईवे पे लड़की गाड़ी तेज चला रही है, कंट्रोल खो गयो, एक्सीडेंट हो गयो। क्यों? अगर गाड़ी में ओवरटेक करते वक्त ही आग हो तो? क्या बोलता है दलिया? ट्रक रुक चुका है, अब शहर के करेगा। लड़की की जान से ज्यादा कीमत उस ट्रक की है, फिर भी एक जेंटलमैन उतरेगा जरूर। दूसरे को कहेगा हाथ बटन पे रख। ट्रक रुक गया, शहर लड़की के पास आ गया, देन व्हाट? फिर ट्रक का क्या करेंगे? उसका बंदोबस्त सोच लिया है मैंने। तो फिर ढूंढते हैं रास्ता जहां धमाका हो सकता है, हैं? संजना, तुम दलिया के साथ जाओ। मैं? इमरजेंसी का टाइम है, पूछताछ होगी। कह देना तुम लोग हनीमून पे हो, रास्ता भटक गए। हाँ, दलिया लव हनीमून। सोच रहा हूं कहीं गुदवा लूं ये नाम।
हनीमून पे जा रहे हैं, तलाक लेने को नहीं। थोड़ा पास आकर बैठो, लगना चाहिए परमिट है हम दोनों के पास। जस्ट ड्राइव। ये जगह अपने काम के लिए चौकी है, एक्सीडेंट यहां हुआ तो आसपास से निकलने का कोई चांस ही। क्या चल रहा है? हनीमून यहां पे इमरजेंसी थी, है इमरजेंसी चल रही है ना। तो क्या है ना कि आधे लोग घर के बाहर नहीं निकलते जैसे कि मेरे, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि आधे लोग जेड़ के अंदर हैं, घर के बाहर कहीं पर भी कोई नहीं होता, इसलिए सोचा कि पता नहीं आप कैसे टपक पड़े। चल निकल ले यहां से, प्यार करने की कोई जगह रहने गई। सुन, मेरा किसी ने बटुआ चुराया था, तेरे ही कद काटी का था, कहीं तू ही तो नहीं था? मारी शकल ध्यान से देखो, मैं बटवा नहीं चुराता साहब, दिल चुराता हूं। एक बात बोलूं साहब, निकल लो, तूफान आने वाला है। ये रास्ता किसी की मंजिल हो सकता है, लेकिन सर यहां तो चारों तरफ रेत के टीले हैं। जो लूटते हैं वो ऐसी जगह पे ही टकराते हैं। रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा, होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। ओ चोर आवेगा एक दिन, ओ चोर आवेगा एक दिन काड आवेगा, होशियार रहना रे नगर में चोर। गुरु जी सुना है ना, जितनी बड़ी गण उतनी छोटी पिस्तौल, नगर में चोर आवेगा। तीर तोप तलवार ना बरछी ना बंदूक चलावेगा, तीर तोप तलवार ना बरछी ना बंदूक चलावेगा। ओ आवत जात नजर नहीं आवे, आवत जात नजर नहीं आवे, भीतर घूम घुमाएगा, होशियार रहना दे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना दे नगर में चोर आवेगा। कहे कबीर या मुल्क वीराना, कोई नहीं यहाँ अपना, कहे कबीर या मुल्क वीराना। निकले जब भी रुद्रा, पहुंचना मेरे पास ही चाहिए, वरना तुम मेरी पहुंच जानते हो। कहे कबीर या मुल्क वीराना, कोई नहीं यहाँ अपना, कहे कबीर या मुल्क वीराना, कोई नहीं यहाँ अपना। रे मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, हाथ पसारे जाएगा, होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा,
जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा ओ चोर आवेगा देख दिन ओ चोर आवेगा धमाके के बाद आप हम सबको यहाँ मिलोगे ओ चोर आवेगा देख दिन कार्ड आवेगा खुशी याद रहना रे नगर में चोर दिल्ली तक 8 घंटे का रास्ता है सर 8 घंटे का खतरा आंखों में तभी चमक आती है जब उनमें खतरा होता है चोर आवेगा दलिया खींच 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 कल से सस्ती दारू पे लाणत है खींच सही बोला गुरुजी खींच ले कल अपना भविष्य करवट लेने वाला है और फिर आगे घर भी तो बसाना है फिर से प्लानिंग शुरू तुम्हारी और क्या क्या करना है और एक गाना बज रहा है हमारे दिल में जब से हम मिले हैं मेरा मतलब है जब से हम सब मिले सोच रहा हूँ उसे आगे कैसे बढ़ाऊं कौन सा गाना अरे अभी तो बच्चा है रदलिया इधर बड़ों से बात कर मेरी जान बैठ जा आया कमिन कभी अपने आप को ना अकेला मत सोचना अरे क्या गुरुजी नीट पे नीट मारे जा रहे हो पानी मिला लो गाय का पानी शरीर में तो 70% पानी है पहले से पानी तो काहे को मिलाना भाई लो इनकी बत्ती कल सुबह ही खुलेगी हाथ ऊपर सबके सब चलो कौन कौन है घर में सबके सब आपके सामने के प्लानिंग चल रही है यहाँ पे घने दिनों से तुम चारों पे नजर है हमारी खतरे जी साहब पूरे घर की तलाशी ले एक एक सामान उलट के रख दे अरे ऐसी किसी तलाशी वारंट दिखाओ बेटा इमरजेंसी से बड़ा वारंट कोई ना है और जो चल रहा है ना थारा पता करके ही मानूंगा मैं साहब ये देखो अरे मैं बोल रहा हूँ ना सब खोल दूंगा मैं तू चिंता मत कर भीड़ हटा भीड़ लगता है बहुत ही बड़ा बखेड़ा करने वाले थे तुम लोग खतरे जी साहब लेन लगा सबकी बिठा जिप में हेलो अब क्या होगा सारा प्लान चौपट ये इंस्पेक्टर भी तो सुनने को नहीं तैयार सुबह तक यहीं फंसे रहे तो शहर निकल जाएगा शहर से भी और हाथ से भी गुरुजी को उठाने की कोशिश करो अबे गुरु घंटाल इतनी क्यों पी लेता है तू ताने क्या लगा शहर बंद तो लूट लो कल सवेरे जब बड़े साहब आवेंगे ना तब देखना इंस्पेक्टर भट्टी ऑब्वियसली यू आर अ वेरी स्मार्ट कॉप आप मेरी तरफ देखिए अच्छे से देखिए ऊपर से नीचे तक देखिए ध्यान से देख रहे हैं ना सर आपको मैं कहीं से भी चोर लगती हूँ क्या प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना सर ओके है ना मैडम जी अंदर तो आज किया है पीछे तो थारे काफी दिन से थे और ये थारा जो जनाना जादू है ना हमारे ऊपर नहीं चलेगा ये देसी कट्टा अरे कहां से लाए इतनी सारी गण हाँ?
पिलवा दे यार चाय। तुम निकलो शहर, 10 मिनट बाद मैं निकलता हूं। इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग आई विल बी योर बैकअप। तू भी मेरे साथ ही सोया था? तुम्हारा तो काम है ताले खोलना, खोलो इस ताले को। बालों में लगाने वाला पेड़ है? पेड़ नहीं, फैशन में कमजोर है। क्या रास्ता मिल गया? क्या इसकी ब्रा का पेड़ तारी ब्रा दो? अंग्रेजी ब्राह्मण पेड़ होता पेड़। हमारा कुछ है भी तो ना हमारे पास। देखो पीछे टूल किट है। संजना जीप को ट्रक के ठीक पीछे चढ़ाना, 10 फीट दूर। ट्रक के अंदर से जीप दिखनी नहीं चाहिए। क्या करने की सोच रहा है तू भवानी? हैं? वो देख। है
चल टरक को तंदूर बनाते। चल पानी, ध्यान से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। गुरुजी, रेजिग्नेशन लेटर कौन सी जेब में पता है?
गया, बेखाद आ गया। क्या बोलता है? आज से आर्मी ट्रक नहीं, बादशाहों की सवारी है। आपके प्यादे ने अपना काम कर दिया, ले गया सोना उड़ा के। रानी साहब को गुड इवनिंग रानी साहब। क्या बात है, इतनी बढ़िया पार्टी चल रही है और होस्ट के होश उड़े हुए हैं। ये पार्टी हमेशा याद रहेगी। आज एक अच्छा दोस्त खो दिया और पूरा दुश्मन बना लिया। क्या हुआ, आप सिर्फ इशारा कीजिए, आपके दुश्मनों की परेड लगवा दूंगा मैं। आइए, पता करो इस गीतांजलि के आसपास कौन कौन लोग हैं, छोड़ना नहीं किसी को भी। जी सर। चलो। शायद यही लिखा है हमारी किस्मत में कि सब हमको छोड़ जाए। मैं किसकी तरफ देखूं? बिल्कुल अकेली हूं। कोई मखमल पर चले या मिट्टी पर, ना तो कोई खुद को गले लगा सकता है, ना कोई खुद के कंधे पर सर रखकर रो सकता है। कोई तो एक होना चाहिए अपना। मैं हूं आपके साथ हमेशा, कुछ नहीं होगा आपको। आर्मी वाला हूं, हर तरह से हैंडल कर सकता हूं। आर्मी की बात अलग है, पर राजनीति में नीति से कुछ नहीं होता। वो संजीव पॉलिटिकली कुछ भी कर सकता है। आपने कभी कैरम खेली है? क्वीन के साथ एक कवर भी होता है जो क्वीन के साथ हमेशा होता है, पर वो कौन है वो सिर्फ सही वक्त आने पर पता लगता है। आज से आपका कवर मैं। अरे, what are you doing here? I thought तो छुट्टी पे जा रहा है। कैंसिल, इस इमरजेंसी के चक्कर में सब कुछ कैंसिल, हद हो गई है यार। तेरी तो सिर्फ छुट्टी कैंसिल हुई है, लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। गीतांजलि देवी के बारे में सुना? नहीं, वो भी अंदर? सिर्फ जेल ही नहीं, सुना है सारा खजाना भी जब्त कर लिया है उसका। कब, किसने? रुद्रा। अब ऐसे केस के लिए छुट्टी कैंसिल हो तो मजा भी आता है, गीतांजलि देवी के दर्शन भी हो जाएंगे और उनके खजाने के भी। सर, अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालने के लिए थैंक यू। टाइम तो निकालना ही था, तुमने कहा कुछ अर्जेंट काम है। सर, अर्जेंट इसीलिए बोला क्योंकि जिंदगी में कुछ अर्जेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ टाइम पास चल रहा है। और आपके साथ जब वॉर में था तो बहुत मजे थे, ना खुद सोते थे ना दुश्मनों को सोने देते थे। वॉर खत्म होने के बाद जिंदगी का मजा खत्म हो गया सर। आई टू मिस वर्किंग विद डेयरिंग एंड डिपेंडेबल ऑफिसर्स लाइक यू सहर, बट आई ओनली विश देयर वर नो मोर वॉर्स इन दिस वर्ल्ड। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, वॉर इज टेरेबल, बट सर सोल्जर की जिंदगी अगर सिंपल हो जाए तो बोरिंग हो जाती है। और आप जैसे ऑफिसर के साथ काम करके सीखने में जो मजा है वो मिस कर रहा हूँ सर। बस एक और ऐसा मिशन मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाएगी। कुछ होगा तो मैं बताता हूं। आई हैव टू अटेंड टू समथिंग रियली अर्जेंट, कैच यू लेटर सर। ठीक है सर, फिर मैं चलता हूं। ओके, जय हिंद सर। जय हिंद।
सर, मेरे साथ राजस्थान चलोगे? सोने के साथ अपनी सरकार तक ये भी पहुंचा देना। इतना कुछ हो गया मेरे साथ, तुम कहाँ थे? तुम इस चेहरे से दूर रह पाना किसी मिशन से कम नहीं था। तुम्हारे अरेस्ट की खबर मिलते ही मैंने अपने सारे सोर्सेस लगा दिए। और इस केस में इन्वॉल्व हो क्या, यहां कोई नहीं जानता है कि हम एक दूसरे के कितने करीब। तुम्हें पता है सोने के बारे में? सोना कहाँ है, कितना है और कैसे पहुंचने वाला है, सब खबर है मुझे। तुम बताओ पहुंचाना कहाँ है? पुलिस और चोर का काम अलग होता है। चोरी तुम नहीं, भवानी करेगा। ये भवानी कौन है? पुराना बॉडीगार्ड है। वो चोरी करेगा और तुम उसकी सोना लेकर जाने में मदद। पुलिस भी हमारी और चोर भी हमारा। देखती हूँ संजीव कैसे हाथ लगाता है मेरे सोने को। सोना मेरी सिक्योरिटी में, उसे मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ, तो इस भवानी की क्या जरूरत है? इतना आसान नहीं है शहर, सरकार को कम मत समझो। कुछ भी गड़बड़ हो गई, इफ द रॉबरी गोज रॉन्ग, तो भवानी पकड़ा जाएगा, सब उसके पीछे जाएंगे, तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा। और अगर भवानी सक्सेसफुल हो गया तो गोल्ड मिलते ही अक्रॉस द बॉर्डर, फिर भवानी जाने और सरकार। मतलब दोनों सूरतों में बड़ी भवानी की चढ़ेगी। तुमने कभी ताश खेली है? ताश में जो दिल का राजा होता है उसके सीने में हमेशा खंजर होता है। कोई नहीं जानता कि खंजर भौंक कौन रहा है। हो ना हो, कोई रानी ही होगी। निकालो इस पूरे एरिया का। राइट सर। इस एरिया में कितने हॉस्पिटल्स हैं? सर दो सरकारी हॉस्पिटल हैं बस। बॉर्डर सील करवाओ, सारे चेक पोस्ट पर इत्तला कर दो, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के निकलनी नहीं चाहिए। गोली निकलवाने हॉस्पिटल जरूर जाएंगे, दोनों हॉस्पिटल पर फोर्स भेजो। सर घोषणा कर दो, खबर देने वाले को इनाम मिलेगा। लेट्स मेक दिस डेजर्ट देयर प्रिज़न। फिर तो पूरे शहर को पता चल जाएगा। और आप चाहते थे बात गुप्त रहे, पर अब छुपाना गलत होगा। We can't afford any more mistakes. I can't afford any more mistakes. सर आपने कभी सांप पकड़ा है? बड़े धीरे से दबे पांव उसके नजदीक जाकर बिना आवाज किए उसकी गर्दन को पकड़ लेते हैं। वो लोग बॉर्डर तक यही रास्ता लेंगे। मैं मानता हूं हमारे हाथ से निकल गए हैं, बट गोल्ड की वजह से ये ट्रक का वजन बहुत ज्यादा हो गया और यही एक सीमेंटेड रास्ता है। सर हम अपनी फोर्स को इसी एरिया में लगा देते हैं। तुम चाहते हो सारी फोर्स इस रास्ते पे हो ताकि वो दूसरे रास्ते से निकल जाए? ये प्लान उनका है या तुम्हारा? What do you mean, sir? सिक्योरिटी इंचार्ज तुम, प्लान तुम्हारा, रास्ता तुम्हारा। ये बात मेरे और तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता थी, तो फिर ये सब कैसे हो गया? अगर दूसरे आप थे जिसको ये प्लान पता था तो वो लोग भी आप ही ने भेजे होंगे। How dare you? मुझे भी इतना ही गुस्सा आया था सर, पर हम लोग आपस में लड़ते रहे ना तो उन लोगों को फायदा हो जाएगा। आप एक बात भूल रहे हैं, हमारे अलावा कोई तीसरा था जिसको ये पूरे प्लान की खबर थी। कौन? गीतांजलि। गीतांजलि
शिकारी लगे हैं ना, एक ही गोली से उड़ान तमाम कर देंगे। शहर के पीछे एक और टीम होगी, किसे पता था? हमारा एक दोस्त था, उसको भी दूसरे टीम के बारे में पता नहीं था। जानते उसका क्या हुआ? मर गया। इनकी गोली निकाली पड़ेगी। अगर अस्पताल गए तो पकड़े जाएंगे। उन लोगों को पता है कि इन्हें गोली लगी है, वो ये मौका नहीं छोड़ेंगे। हम उन्हें मौका ही नहीं देंगे। गोली तो डॉक्टर ही निकालेगा, फिर चाहे डॉक्टर कोई भी। कौन कौन आया था यहाँ गीतांजलि से मिलने? एक बार एक वकील आया था हुकुम, किसी छोरी के साथ। आप लोग तो आते ही रहते हो, और वो एक बार। और क्या, और कौन आया था? हुकुम, एक आदमी आया था, हट्टा कट्टा सा था। घनी देर तक गीतांजलि सा के आसपास ही घूम रहा था। मारी तो झड़प भी हुई थी उससे। सुमेश, स्केच बनवाओ उस आदमी का। राइट सर। विक्टर टू चार्ली, एक आर्मी ट्रक चोरी हुआ है। अलर्ट ऑल चेक पोस्ट, वो ट्रक किसी भी कीमत पर निकलना नहीं चाहिए। ये ट्रक आर्मी ट्रक जैसा नहीं है, देखते पहचान में आ जाएगा। चार लोग हैं उसमें। सूटेड साइड, सूटेड साइड। विक्टर टू चार्ली, अलर्ट ऑल चेक पोस्ट। हुकुम, उठना पड़ेगा, यो मामला बड़ा लागे माने। हुकुम, आई रिपीट, ट्रक में चार लोग हैं, सबके सर पर इनाम है। देखते गोली मार दो, बच के नहीं निकलने चाहिए। जो कोई भी ट्रक को रोकेगा उसको बड़ा इनाम मिलेगा। ओवर। रोकने की खबर सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। अब तो ये ट्रक हम ही रोकेंगे बिस्वा। ओके है ना? सबसी वाले काम में वो मजा आना है जो इनाम वाले काम में। हुकुम, आने लगे थारा इनाम थारे पास खुद चल के आ रहा है। लगा दे बैरिकेड, बंद कर रास्ता, निकाल बंदूकें। जी हुकुम। चलो रास्ता बंद करो, ना आगे नहीं जाना चाहिए। आगे विक्टर, पीछे चार्ली, अब क्या करेंगे? We'll be right back.
वही आदमी हुकुम, ये आंखें तो मैं भूल ही नहीं सकता। मैं जानता हूं इसे, भवानी सिंह नाम है इसका, गीतांजलि का पुराना बॉडीगार्ड है। मुझे पूरा यकीन है वो ट्रक इसी ने चुराया है। तो फिर गीतांजलि बताएगी कि उसका प्यादा छुपा कहां है। बकरी समझा कहां ले आए मड़े? पुलिस पहले से होगी, बाकी अस्पतालों में यही जगह सही है। मैकेनिक सब गाड़ियां ठीक कर लेते हैं, इनके डॉक्टर को भी डॉक्टर ही कहते हैं। जो गलत बात है। तुम लोग यहीं रुको, अलर्ट रहना। सब कुछ गलत हो रहा है, पुलिस कभी पीछा नहीं छोड़ती। अभी तक सब जगह वायरलेस भेज दिया होगा, कैसे पहुंचेंगे बॉर्डर तक? इसलिए तो कांसी गांव जा रहे हैं। कांसी गांव? वो क्या है? तुम इतना सोच लो कि ये लोग जंगली चोर हैं, आंख चपकने से पहले नंगा कर देते हैं, खतरनाक है पर भरोसे की भी। ये लोग भवानी को बहुत मानते हैं। मगर वो हमारी क्या मदद करेंगे? जैसे लोहार लोहे को पिघलाता है, वैसे लोग सोने को पिघलाते हैं। मतलब? आर्मी और पुलिस दोनों इस ट्रक को ढूंढ रहे हैं। इतना सारा सोना बिना ट्रक के कैसे लेके जाएंगे? ये लोग सोने को पिघला के मोम कर देंगे, फिर तो ट्रक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ढूंढते रहो ट्रक को, फिर तो हम बैलगाड़ी से भी जाएंगे ना, आराम से गीतांजलि के पास पहुंच जाएंगे। फिर तुम अपने रास्ते, हम अपने। तुम्हारा रास्ता कहाँ जाता है? हम राजस्थानी ऊंट हैं मैडम, कहीं भी छोड़ दो वापस घर पहुंच जाएंगे। तारा मुंह क्यों उतर गया हैं? चोर पुलिस में मजा आ रहा है क्या? जब मिले थे तब एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, मगर अब तारे मन में भी गाना बजना शुरू हो गया क्या मैडम? तुम किसी भी जगह किसी भी वक्त शुरू हो जाते हो, तुमको शर्म नहीं आती? शर्म और मैं तो एक सेंटेंस में नहीं आते मैडम। अब क्या कह दिया मैडम? मैडम मैं कोई ऊंट नहीं हूं जो बिना खाए पिए चलती रहूं। भूख लग रही है मुझे, पेट में दर्द हो रहा है, गाना तो क्या, दिमाग में और कुछ नहीं बचा से भाई भूख के। तू रोती भी बहुत चौकी लागे। जख्म बहुत गहरा है, कहाँ ले जाओगे इसको? ये सड़क में। इतना दहेज लेके घूम रहे हैं, परा तो आनी थी। अरे ये क्या उठा लिया, ये घोड़ों का पेन किलर है। अब डंडे पड़ेंगे लेकिन लगेंगे नहीं। मैडम दोस्ती पक्की, खतरा अपना अपना। तीन तक सब उगल दे वरना खेल खत्म। एक ट्रक का है, दो कहां पहुंचने वाला ट्रक, तू कहां की महारानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब यहाँ तेरा सर है या मेरा? तीन। सर, are you gone mad? चलो बाहर। सर, come on. Are you out of your mind, officer? रानी है वो यहाँ की। गीतांजलि को कुछ हुआ तो उसके लोग सारा शहर जला देंगे। चोर वो है और डर हम रहे हैं। जो पकड़ा जाता है वही चोर होता है। और इस वक्त हमारे हाथ में कोई नहीं है। तो फिर छोड़ देते हैं, जाने देते हैं उसे, ताकि वो अपना सोना ले और निकल जाए। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूं। What do you mean? सोना हमारे हाथ में तभी आएगा जब उसके हाथ में आएगा। बाहर निकलकर वो सबसे पहले वहां जाएगी जहां उसकी जान अटकी हुई है। या गीतांजलि भवानी को कॉल करेगी या वो उसको। ये जब सब मिलेंगे ना चोर, हम भी मिल लेंगे लोगों से। नहीं सर, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। गीतांजलि अगर फरार हो गई तो हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। मेरी नजरें हमेशा उनके ऊपर रहेंगी, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। This is the only lead. Sir, असोप जिले से एक फोन आया है सर। अस्पताल से दो लोग अरेस्ट हुए हैं और मुझे लगता है ये उनमें से ही दो हैं सर। Good. Let's go, officer. Right, sir. बार बार पूछना अच्छा ना लगे। बता दे ट्रक कहां है। जितनी देर तू चुप रहेगा उतना चिल्लाएगा। बता दे ट्रक कहां है, कहां लेके जा रहे थे। मारी तीसरी आंख खुली कुणा, ट्रक नजर नहीं आ रहा। ना खाने को होगा ना धोने को। ऐसा हाल करूंगा जो तूने मुंह नहीं खोला। भवानी बाबा, थारी मोहब्बत तो चौकी है ना। पता चला बकरे की बिरयानी पक गई और चोरी को चावल पसंद कोई ना। डर। जो भुन रहा है तू मुझे। बूढ़े पे क्या जोर दिखाता है। जो पूछना है मारे से पूछ। मारे से भी पूछूंगा, लेकिन मारे को एक बार समझ को नहीं आ रही। इतने बड़े कांड में थारे जैसे बूढ़े को लेके क्या घूम रहे हैं। ताकत तो थारे में है ना, और दिमाग से तो कोई तोप ना लागे मने। फिर तारा क्या काम है। ताड़े तोड़ता है क्या। बता कहाँ जा रहा, बता कहाँ जा रहा, बता। तू नहीं बताएगा, ये बताएगा कहाँ जा रहा। बोल कहाँ जा रहा, बोल, बता कहाँ जा रहा, क्या उसमें, बोल, बोल कहाँ जा रहा। ऐसे ना मारेगा, ऐसे ना मारेगा तू। लगा बैटरी, स्टार्ट करो उसे। अब बोलेगा ये, अब बोलेगा। अब ऐसे नहीं मारोगे। तूने मुंह नहीं खोला ना। अब हाथ पुलिस के पढ़ा। Yeah.
तोड़ेगा तू? अरे कहाँ है? ताले तोड़ेगा ना? ताले तोड़ेगा? अब तोड़ ताले। बोल कहाँ चला? बोल। बोल कहाँ चला? सोना चाहिए था ना थानेदार? मारी मां कहती थी कि मैं सर से लेके पांव तक सोना ही सोना हूं। रशी लपेट चल। कोई अपना हो तो तुम्हारे जैसा हो। मारे जैसा कितना कुछ कर रहे हो तुम गीतांजलि के लिए। She's so lucky. उसके लिए तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। वो इसकी क्या जो सलामत छोड़ दे। राजा साहब का कोई बेटा होता ना तो वो भी थारी तरह नहीं संभाल पाता। तो बिल्कुल राजा साहब जैसी हो। नहीं, मुझे नहीं बनना राजा साहब। उन्हें सिर्फ पैसे और पावर का नशा था। मुझे तो सिर्फ प्यार चाहिए। चाहती हूँ कि इस गांव में एक स्कूल खुल जाए ताकि इन जैसी बच्चियों को एजुकेशन मिल सके। आप रानी हो? हाँ बेटा, मैं रानी हूँ, इसकी तरह। तो फिर आप खून भी पीते हो? नहीं बेटा, मैं खून नहीं पीती हूँ। आपसे किसने कहा कि मैं खून पीती हूँ? माँ ने। कहाँ है आपकी माँ? दिमाग खराब हो गया कि थारो? मारा खेता को सत्यानाश करेगी के? अरे बावली हो गई के? ये रानी सा है। महारानी, मारा खेत में पैर मत रख जे, वरना ये भी थारी तरह बेईमान हो जाएगा। मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ मैं। मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास है। समझती हूँ तुम्हारा दर्द। भरे पेट बातें करना घना आसान है महारानी सा, खाली पेट तो आग ही होवे है। जरा दो घड़ी छाता हटाकर देखना, तब समझ में आएगा। हम लोग खून पसीना बहाकर खावे, थारी तरह छीन कर नहीं। ला मुझे तो ये पाउडर। मैं तुम्हारे साथ तब तक काम करूंगी जब तक तुम्हारी परेशानी खत्म नहीं हो जाती, जब तक तुम्हें पानी नहीं मिलता। बारिश लाना महारानी के हाथ है के? रानी सा से कैसे पेश आते हैं? उड़ गए तुम लोग।
आप प्राणी भी हो और परी भी। आपने मारी माँ की मदद करी, पर मारी माँ के पास देने के लिए कुछ ना है, मारे पास है। डॉल और मुझ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तय के अंदर तय असली चेहरे तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। एक चेहरा दुनिया के लिए, एक अपनों के लिए, एक अपने लिए। चारों मिलके भी नहीं खोल पा रहे के? खोड़ा? अरे कौन है? अरे खोलो मारे को, खोलो खोलो। पहले तेरे नाके से निकले, फिर तेरी जेल से निकले। ये वर्दी क्या सिर्फ दिखाने के लिए पहनी है? अरे हम तो पूछताछ ही कर रहे थे, पता नहीं कहां था अचानक ये। अचानक तेरी वर्दी भी जा सकती है। हट सर, हट। वर्दी पे हाथ नहीं। हॉस्पिटल में चौकी में कुछ बताया उन्होंने? हमने हर तरीके से पूछताछ कर ली, लेकिन साड़ों ने मुंह नहीं खोला। सर वक्त निकलता जा रहा है, आई थिंक यू शुड टेक अ कॉल। छोड़ दो गीतांजलि को। ना मिले या ना मिले, वो चारों जिंदा नहीं मिलेंगे। थैंक गॉड, मुझे बॉर्डर पे ले चलो। जस्ट टेक मी टू द ब्लडी बॉर्डर। देर लगा दी भवानी, रास्ते में सरकारी ट्रैफिक मिल गया। तभी सरकारी गाड़ी में आयो। गुरुजी, अब सब कुछ थारे हाथ में। सर, अभी पैलेस से पता चला है कि गीतांजलि देवी तो वहां पहुंची ही नहीं। सैर सिंह को जो आपने ऑर्डर दिया था वो उसने पूरा नहीं किया है और वो खुद लापता है। गरारी घूम लेना, समझो एक कदम आगे बढ़े। गुरुजी, कुछ भी हो जाए, सूरज निकलने से पहले हमें यहां से निकलना है। फिर तो तुम लोग के सांसों की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। भवानी पकड़ा गया क्या? पकड़ा भी गया और बच के निकल भी गया। फिर इतने परेशान क्यों लग रहे हो? गोल्ड तो सेफ है ना? हाँ हाँ, जब तक भवानी तुम्हारे साथ है
सेफ है। कपड़ा लाना। सर दुर्जन बोल रहा हूं। यस। एक प्राइवेट प्लेन लैंड हुआ रणोत्तर में। आई एम ऑन माय वे। उंगलियां अकड़ गई हमारी। वेल्डिंग मशीन से पूरा दरवाजा काट दें, हैं? खुल जा। हाँ मौरी, आंखों में धूल और कानों में शोर न जाए तो एक बार मैं फिर कोशिश कर सकता हूँ। उसका जुगाड़ भी है हमारे पास। कभी घोड़े का इंजेक्शन, कभी घोड़े का गोगल, आदमी उसड़ो। कुछ फर्क पड़ा? बस जगह खुल जाए फिर सब खुल जाएंगे। चार बाकी है अभी, दिवाली में टाइम है। रॉकेट की तरह राउंड। एक और खुल जाए गुरुजी, आखिरी बार अपनी कलाकारी दिखा दो। यह तो पूरी सोने की लंका है। जाओ उठा ले। चार जन्म भी खाए तो कम ना पड़े। क्या बोलता है भवानी? तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूं?
ठाकुर डार दे सोना आग में। यार ये गलत है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे, मैंने सारी मेहनत बर्बाद। भाणी ये गलत है। करने की तैयारी करो। गुरुजी को ढूंढ के लाते हैं। ठाकुर थारा शुक्रिया। सकल भूलना नहीं, पता याद रखना, अगर जरूरत पड़े तो आ जाना। ऐसे कह रहे हो कि जैसे फिर कभी मिलेंगे ही नहीं। हम दिल के बादशाह हैं मैडम, मणकी करते हैं तड़के चलते हैं। आज हम आपके साथ हैं, क्या पता कल किसी और रास्ते। चलो सब तैयार। देख भाई दलिया, मैं जे कह रहा हूं कि तू अपने आप को ना कभी अकेला मत समझना। ये जो बार बार अपने आप को अकेला मत समझना, इसका मतलब क्या है आज बता ही दो। दिल टूटने पर कांधा दोगे, पांव टूटने पर बैसाखी बनोगे, कब्र में साथ चढ़ोगे, क्या है क्या? नाराज क्यों हो रहा है? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तू अपने आप को कभी अकेला मत समझना। तेरे जैसे लाखों चूके बने हैं प्यार में, समझ रहा है? आता हूँ। कोई भी गवाह बचना नहीं चाहिए। खजाना हाथ में आते ही हम यहां से फिर। गीतांजलि की ड्यूटी ओवर, मेरी शुरू। गन्स नीचे वरना ये ऊपर। चलो के बड़ी। एक लड़की और चाहने वाले दो, मुसीबत में पड़ी तो दोनों पहुंच गए मदद को। चुराने वाला भी अपना, बचाने वाला भी अपना। मतलब पकड़े गए तो हमारी बलि,
भरना सब तुम्हारा। करेक्ट, सारा प्लान गीतांजलि का था और इसे लगा ये प्यार है। जिस इंसान ने तुम्हारे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, तुम उसे धोखा दे रही हो। ओह शट अप। सबसे बड़े धोखेबाज तो वो है जो ये दिखाते कि वो सब कुछ दूसरों के लिए करते हैं। सच तो ये है, भवानी सिर्फ अपनी जुबा की वजह से साथ था। तुम अपना एहसान उतार रही हो और ये अपनी दोस्ती की वजह से। मेरे लिए तो किसी ने कुछ भी नहीं किया। अगर मुझे जरा सा भी पता होता कि तुम ऐसा सोचती हो तो मैं तो क्या? हाँ, तुम्हें खजाना इन्हें हलाने नहीं देती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। थने थरा प्यार और पैसा मुबारक। आंखें भी अजीब राजदार हो गए, देखे कुछ और दिखाए कुछ और, बयां कुछ और करे चाहती कुछ और। इस डॉलर मुझ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तय के अंदर असली चरित्र तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। छाता हटाया ना, मैं उसके सर पर छत नहीं लेने दूंगी। आप होश में नहीं है इसलिए ऐसा कह रही हैं। आग लगा दो उस गांव में, जाओ, उसने मेरी इंसल्ट की। खत्म कर दो सब कुछ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने जो सोच लिया ना वो होगा जरूर। तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, समझे? गाड़ी रोको। आग घर से ज्यादा हमारे अंदर लगी थी, फिर भी लगा तुमने गुस्से में सब कुछ कर दिया है। सोचा आराम से समझाऊंगा तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। ज्यादा चमकने वाली चीज को बहुत देर देखो तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। हमारे साथ भी यही हुआ। थारी चमक में थारा असली चेहरा दिखाई नहीं। चाहता तो पूरी पार्टी ऊपर नीचे कर देता, लेकिन लगा कि अब थड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद यही लिखा है हमारी किस्मत में कि सब हमको छूट जाए। मैं किसकी तरफ देख, बिल्कुल अकेले। कोई तो एक चाहिए होता है अपना। बस उस दिन ठान ली कि एक दिन थड़े
उसी हालत में ले आऊंगा जिस हालत में वो औरत थी। पितांजलि जी, ये जो समय है ना, ये सबके लेता है। समय समय पर, सही समय पर। सही तरह से लगता है। समझदार हो गया तू। तुमने सुबह दी थी, हमेशा मेरा साथ दोगे। मैंने ये भी कहा था, मैं कहानी बदल दूंगा।
ये जिंदगी तो आधे में ही पूरी हो गई। सबको बताना कि मारा एक दोस्त था जिसने पूरी दोस्ती निभाई। जानते उसका क्या हुआ? क्या हुआ? मर गया। सुनाएगा ना भवानी? सुनाऊंगा, पहले मर तो घोड़ी सिर्फ छू कर निकली है। ऐसे मरते तो हम सब उठते हैं। भगवान आए थे सपने में, कह रहे थे उनके पास उठाने का टाइम ना है, तुझे उठना है तो खुद ही उठ ले। अरे पर लगी तो सही, कहाँ देख लो। क्या फिल्मी आती है यार ये। बस सैड सॉन्ग आना बाकी है। आप सफेद साड़ी पहन लो, लालटेन पकड़ लो। भवानी तुम आउथारगन बजा, मैं आता हूँ ना ठाकुर से मिल के। अरे